मेरा नाम साजन जुमन ढेरवाल, मैं कराची से हूँ, हिंदू बिरादरी से हूँ, और मैं बाबा जी के लिए मैं बताना चाहूंगा। 2018 के अंदर बाबा जी ने मुझे जो है कि तही के लब्बैक से चुना और मुझे इलेक्शन के लिए खड़ा किया, एमपी के इलेक्शन के लिए। मैं बहुत खुशनसीब आदमी हूँ, बहुत खुशनसीब शख्स हूँ कि मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत बाबा जी की तरफ से मिली है, तो मैं वो कभी नहीं भूल सकता। वो दिन 2018 से लेके आज तक मैं तहरीक के लब्बे के लिए वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा नुमाइंदा होकर एक वर्क कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि जो मोहब्बत प्यार हमारे साथ रवि साहब ने मेरी सेकंड टाइम मुलाकात की है, जब फर्स्ट टाइम हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जितने भी कौमियत के लोग हैं, चाहे वो अकलीती बिरादरी से हो, हिंदू बिरादरी, हिंदू कौम से हो, सिख कौम से हो, मसीह कौम से हो, हम सब के साथ है, और जहां भी उनके साथ जुल्म हो रहा होगा हम उस जुल्म को खत्म करेंगे, उन्हें भरपूर तरीके से जीने का हक देंगे। तो यह है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पहचान। लब्बैक 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 पाकिस्तान में मेजोरिटी ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारे सरबरा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ शाना बशाना खड़ी है और कदम से कदम बढ़ाकर इनके साथ चलेगी। हर वक्त रात हो दिन हो इनके साथ खड़े, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े। मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ। कराची से 22 तारीख से निकली है ये रैली, बचाओ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए ये आवाज लगाइए। आज तक पूरे 1947 से लेकर अब तक किसी शख्स ने आवाम के लिए आवाज नहीं लगाई। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं, लेकिन आज हमारी आखिरी किरण है तो साद हुसैन रिजवी साहब है हमारी आखिरी किरण, हमारी आखिरी उम्मीद पाकिस्तान के अंदर। काफिला कराची से यहाँ तक आस्थाने पर, और जिस तरह तुमने पहले मदद फरमाई अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, या अल्लाह जब ये काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो तो अपने प्यारे महबूबों के सदके प्यारे आका ने